दोस्त, हमारे आपके सभी के स्मार्टफोन में एक एसओसी यानी कि सिस्टम ऑन चिप होती है। ज्यादातर आपने अपने स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस में देखा होगा कि स्नैपड्रैगन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 या समथिंग 845 या 835 प्रोसेसर लगा हुआ है, या फिर एक्जिनॉस सीरीज सैमसंग की एक्जिनॉस सीरीज का, या फिर मीडियाटेक की हीलियो P20 P30 वगैरह ऐसे प्रोसेसर्स आपके स्मार्टफोन में लगे हुए हैं। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे कि ये एसओसीज क्या होते हैं और ये कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्मार्टफोन एक्सपीरियंस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य और आज बात करेंगे सिस्टम ऑन चिप यानी कि एसओसी के बारे में। दोस्तों, एसओसी के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री लेसन लेना होगा कि प्रोसेसर कैसे इवॉल्व हुए। शुरुआत हुई थी जनरल पर्पस प्रोसेसर से, जो कि सिर्फ कैलकुलेशन का काम करते थे, प्रोसेसिंग का काम करते थे, सिंगल कोर प्रोसेसर हुआ करते थे। और शुरुआत हुई थी इसलिए क्योंकि हम ऑफलोड करना चाहते थे अपने दिमाग से कुछ काम कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स के ऊपर। तो बहुत बेसिक सी कैलकुलेशंस हुआ करती थी, तो जनरल पर्पस प्रोसेसर होते थे जिन्हें सारा काम दे दिया जाता था। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका घर है, उसमें BHK है, बेडरूम है, हॉल है और किचन है। अब आप बेडरूम से किचन का काम लेंगे या किचन से हॉल का काम लेंगे, या फिर ऐसा है कि आप तीनों कमरों को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब किचन में सो रहे हैं, बेडरूम में भी सो रहे हैं और हॉल में भी सो ही रहे हैं, तो ये हो गया जनरल पर्पस प्रोसेसर। उससे सारे काम करवाए जाते थे, भले ही वो ग्राफिक प्रोसेसिंग हो, वो ऑडियो प्रोसेसिंग हो या स्प्रेडशीट कैलकुलेशन वगैरह, जो कुछ भी हो वो सारा जनरल पर्पस प्रोसेसर, जो कि आपका CPU हुआ करता है, उससे करवाते थे। उसके बाद जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई CPU की, पहले तो बेस क्लॉक बढ़ती गई, जैसे कि पहले 1 MHz का CPU है तो फिर वो GHz में आया, फिर 3 GHz, 4 GHz, फिर एक सर्टेन लिमिट के बाद वो जो GHz उसकी क्लॉक स्पीड है वो बढ़ाने में थोड़ी दिक्कतें होने लगी, तो हमने नंबर ऑफ कोर्स बढ़ा दी। फिर आया ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का जमाना, जब हमने कुछ काम जैसे कि CPU के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन, जो कोर प्रोसेसिंग का काम होता है, वो CPU के अंदर करना शुरू कर दिया और जितना भी ग्राफिक का या डिस्प्ले का काम है वो सारा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा करवाना शुरू कर दिया। इससे CPU अपना काम पे फोकस कर सकता है और उसके पास ज्यादा टाइम होगा सिर्फ अपना कोर काम करने के लिए, ग्राफिक का सारा काम GPU करता रहेगा। और इस तरह जैसे कि आप अपने किचन से किचन का ही काम करें और बेडरूम में सिर्फ बेड डाल के सोने का ही काम करें, तो ये अलग अलग काम असाइन कर दिए, तो आप ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे रिसोर्सेज को। फिर दोस्तों आया कि और ज्यादा प्रोसेसिंग की जब जरूरत बढ़ती गई और रियल टाइम टास्क की जरूरत आने लगी, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कई सारे को प्रोसेसर्स आने लगे। अब बात करते हैं मोबाइल फोन्स की, ये तो हो गई थी कंप्यूटर्स के CPUs की बात। तो CPUs बेसिकली कंप्यूटर में आपके CPU GPU होते हैं, और बहुत ज्यादा अगर बहुत ज्यादा अच्छा कंप्यूटर लेते हैं आप तो उसमें ऑडियो कार्ड अलग से होता है, साउंड कार्ड अलग से होता है, वो ऑडियो प्रोसेसर होता है। तो अलग अलग प्रोसेसर्स को अलग अलग काम बांट दिया, तो उससे इफिशियंसी बढ़ गई सिस्टम की, सिस्टम के पास ज्यादा रिसोर्सेज हो गए अपने स्पेसिफिक काम करने के लिए। अब बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, क्योंकि स्मार्टफोन्स में स्पेस कम होता है, इस वजह से एक सर्टेन लिमिट होती है कि आप कितना बड़ा कंपोनेंट लगा सकते हैं। तो बेसिकली स्मार्टफोन जब इवॉल्व होना शुरू हुए तो RISC एक आर्किटेक्चर होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, जिसमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कम इंस्ट्रक्शंस में आपका काम हो जाता है। और ARM एक कंपनी है, ARM होल्डिंग एक कंपनी, ब्रिटिश कंपनी है, जो कि डिजाइन करती है आपके बेयरबोन आपका स्मार्टफोन की एसओसीज, जो एसओसीज होती है उनकी ड्रॉइंग्स, उनको जो उनकी जो डिजाइन होती है वो ARM करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो ARM के ही ड्रॉइंग पे बेस्ड, ARM के ही स्पेसिफिकेशंस स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड बाकी मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि सैमसंग हो गया, या फिर क्वालकॉम हो गया, या फिर जितने भी मीडियाटेक वगैरह, ये सारे ARM के ही स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे अपने अपने प्रोसेसर्स बनाते हैं। एसओसीज में करते क्या हैं, एसओसीज में बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि CPU होता है, कई सारे कोर्स का CPU होता है, जैसे आपने देखा होगा क्वाड कोर CPU, 8 कोर CPU, उसमें भी 8 कोर CPU में भी 4 कोर ज्यादा क्लॉक स्पीड में चलती है जो कम पावर इफिशियंट होती हैं, 4 कोर कम क्लॉक स्पीड पे चलती है ज्यादा पावर इफिशियंट होती है बैटरी सेव करने के लिए। तो जो बैटरी सेविंग वाले काम होते हैं, जो कम प्रायोरिटी वाले काम होते हैं वो बैटरी सेविंग कोर से करवाए जाते हैं, और जो ज्यादा प्रायोरिटी वाले काम होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस कोर से करवाए जाते हैं। वैसे ही इसके अंदर GPUs भी होते हैं, जैसे आपने क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन सीरीज के अंदर एड्रिनो GPUs होते हैं, नाम सुना होगा, आपकी सैमसंग एक्सिनोस के अंदर माली GPUs होते हैं, तो GPUs होते हैं, ISP होती है, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जैसे जो कैमरा का जितना भी इनपुट होता है वो ISP के थ्रू प्रोसेस होता है और फिर आपको जो इमेजेस मिलती हैं। और रिसेंटली एक चीज और इंट्रोड्यूस की गई है, NPU यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो भी काम होता था, जैसे कि आपके गूगल असिस्टेंट के अंदर जो भी आप वॉइस कमांड भेजते थे वो आपके क्लाउड सर्वर पे होके आता था आपके पास वापस प्रोसेस होके, और इसमें टाइम बहुत
बहुत ज्यादा लगता था, और ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि आपका जो स्मार्टफोन का सीपीयू है उसमें इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती थी कि वो रियल टाइम में आप अगर बात कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से असिस्टेंट से तो रियल टाइम में प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन को आपको आउटपुट दे पाए। तो इसके लिए क्लाउड सर्विसेज का यूज करते थे, बाद में एनपीयूज इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और फिर आपके स्मार्टफोन के अंदर ही लोकल पे ही काम होने लगा। और ये प्राइवेसी कंसर्न को भी रिजॉल्व करता है कि अब आपका डेटा क्लाउड पे नहीं जा रहा है, अब आपका डेटा आपके स्मार्टफोन में ही प्रोसेस होकर मिल जा रहा है। तो बेसिकली एसओसीज बहुत सारे प्रोसेसर्स का कलेक्शन होती है, इसमें सीपीयू भी होते हैं, इसमें जीपीयू भी होते हैं, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी होती हैं, कभी कभी ऑडियो कोडेक्स भी होते हैं, एनपीयूज होती हैं, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो ऑल इन ऑल ये कुल मिला के एक सिंगल पैकेज होता है, इसलिए इसे सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं। पूरा सिस्टम एक चिप में डाल दिया जाता है और फिर आपके स्मार्टफोन में लगा दिया जाता है, जिससे कि जितने भी फंक्शंस होते हैं जो आप यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन में, जैसे कि कैमरा हो गया या फिर डिस्प्ले हो गया या फिर जितने भी न्यूरल प्रोसेसिंग होती है या फिर जितना भी आपका इनपुट आउटपुट के बेसिक फंक्शंस होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, सारा कुछ काम एसओसी के द्वारा कर दिया जाता है मल्टीपल प्रोसेसर्स का, जो डेडिकेटेड प्रोसेसर्स होते हैं अलग अलग उनका यूज करके। तो बेसिकली दोस्तों एसओसी, एक एसओसी आपके स्मार्टफोन के दिमाग जैसा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में प्रेजेंटली बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो एसओसीज मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो हैं तीन। पहला आपका क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन सीरीज के जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, दूसरा है आपका मीडियाटेक हीलियो सीरीज के प्रोसेसर, मीडियाटेक के प्रोसेसर, और तीसरा है सैमसंग के एक्जिनो सीरीज के प्रोसेसर जो सैमसंग अपने खुद के स्मार्टफोन्स में डालता है। हुआवे भी अपना प्रोसेसर्स बनाता है आजकल, उसके भी आ रहे हैं अपने खुद के स्मार्टफोन्स में, वो अपने प्रोसेसर डालना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसा है कुछ कुछ एसओसीज का हिसाब किताब। उम्मीद करता हूँ आपको एसओसीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेसिकली ये कई सारे अलग अलग डिस्क्रीट प्रोसेसर्स का ग्रुप होता है जो एक सिंगल चिप के अंदर डाल के आपको दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सी एसओसीज किस काम के लिए बेहतर होती हैं। अब जहां तक मुझे पता है सैमसंग की एक्जिनोस सीरीज का परफॉर्मेंस, रॉ परफॉर्मेंस कंपेरेबल जितनी भी एसओसीज उनकी काउंटर पार्ट होती हैं उनसे बेहतर होता है, पर जो स्नैपड्रैगन सीरीज है क्वालकॉम की वो दो चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। क्वालकॉम अपने मॉडम्स के लिए बहुत पॉपुलर है, एप्पल अपने स्मार्टफोन्स में कोई भी एसओसी यूज़ करे वो क्वालकॉम के मॉडम यूज़ करते हैं, तो क्वालकॉम अपने मॉडम्स के लिए बहुत पॉपुलर है, और क्वालकॉम का जो एड्रिनो ग्राफिक प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है। और साथ में क्वालकॉम जो मैंने आपको बताया था कि आर्म के डिज़ाइन को सारे लोग यूज़ करते हैं, तो आर्म के डिज़ाइन के ऊपर वो अपना थोड़ा कस्टमाइजेशन करते हैं, और उसके बाद आपको स्नैपड्रैगन के अंदर जो कोर्स होती है, क्रायो हो गई या फिर क्रिएट कोर्स हो गई, वो आपको अकॉर्डिंगली देते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो वो थोड़ा कस्टमाइजेशन करके देते हैं, उनका ग्राफिक प्रोसेसर अच्छा होता है, उनके मॉडेम अच्छे हैं। तो अगर आपको इंटरनेट थ्रूपुट बहुत अच्छा चाहिए और आप गेमिंग करते हैं तो आपको क्वालकॉम के सीपीयू प्रेफर कर, क्वालकॉम के एसओसी प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि क्वालकॉम आप आँख बंद करके क्वालकॉम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप हाई एंड कोई भी स्मार्टफोन ले रहे हो तो उसमें क्वालकॉम की 8 सीरीज का प्रोसेसर लगा होगा, जैसे कि 845 या फिर अब 855। तो जो भी क्वालकॉम की 8 सीरीज का स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का प्रोसेसर होगा वो टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर होगा और आप आँख बंद करके उसे ले सकते हो। सैमसंग की एक्जिनोस सीरीज के प्रोसेसर्स का सीपीयू बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी रॉ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग का एक्जिनोस प्रोसेसर। और अभी तो लगभग सारे एसओसीज कंपेरेबल परफॉर्मेंस देते हैं, सिवाय इन दो के कि क्वालकॉम के मॉडम अच्छे हैं और ग्राफिक प्रोसेसर थोड़ा अच्छा है और सैमसंग का रॉ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपसे मैं हर हफ्ते इन वीडियो के जरिए मिलता रहता हूँ। कमेंट्स में मुझे एंगेज करिए, आपके सवालों से मैं वाकिफ होना चाहता हूँ, और आपके सवाल जो अनआंसर्ड अगले वीडियोज में रह जाएंगे उन्हें मैं सब्सिक्वेंट Q&A वीडियोज जो इंफॉर्मेशन वीडियोज होते हैं उनमें जरूर एड्रेस करूंगा। लाइक करिए वीडियो को अगर आपको मेरा काम पसंद आया है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।